इसके बारे में थोड़ा बताएगा यार, डिलीवरी के बारे में। तालाबाद के बारे में जानकारी तो हो गई है, डिलीवरी के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, क्या क्या इसमें चाहिए, क्या क्या चाहिए। हाँ, इसमें बंदे से कुछ पूछ रहे हैं आने के लिए जाने के लिए। लाइसेंस चाहिए। हाँ हाँ, इसके लिए वीज़ा सबसे पहले तो उसका डिलीवरी सर्विस का वीज़ा चाहिए। डिलीवरी सर्विस का? हाँ, वीज़ा जो होना चाहिए डिलीवरी सर्विस का होना चाहिए। हाँ हाँ, तो अगर वो होगा तो उसके लिए फिर डिलीवर बेस्ट है। फिर ये रखेंगे GLTO साइड पे। GLT मतलब? GLT दुबई मरीना। वो तो बहुत हैवी है, मतलब कि VIP एरिया यार। वो VIP एरिया तो उसी में इसका काम ज्यादा है। हाँ हाँ, अगर उसका वीजा कोई और होगा तो उसको फिर रखेंगे फवानीज, मिजर, मिर्दी। वो तो लोकल है, वो डेरा वो लोकल है। हाँ, वो सारा लेकर उधर उधर है। नहीं, कस्टमर इसका गोरा कस्टमर है इसका मोस्टली। अच्छा, 95% इसका गोरा कस्टमर है। 95% अगर तो रहेगा इस साइड पे तो फिर काम नहीं है, फिर तो कोई फायदा नहीं है इस कंपनी में करने। अगर तो वीजा उसका होगा तो फिर GLT उस साइड पे काम करेगा तो फिर काम अच्छा है। अच्छा, इसमें कुछ और कुछ क्या क्या है? अच्छा, लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है इसके लिए? क्वालिफिकेशन? नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, वो बस फॉर्म देते हैं, वो पूर कर दो। इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत? इंग्लिश थोड़ी बहुत ही, हाँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं चलता, थोड़ी बहुत ही चाहिए, बेसिक्स आनी चाहिए। और लाइसेंस यहाँ का चाहिए? हाँ, लाइसेंस चाहिए। ऐसे कि मतलब कि करके ऐसे बातचीत चैटिंग होती है तो इंडिया के भी पाकिस्तान के भी बाकी पर पूछते रहते हैं करके, तो मेरा स्टेटस डाला हुआ है तो उसमें पूछते रहते हैं कि कोई जॉब है तो बताइए बताइए, वही पूछते रहते हैं। हम लोग वैसे ही डाल देते हैं, भाई चलो भाई हमारा कौन सा जाता है। बस लाइसेंस चाहिए उसको बोलो, डालना है वीडियो डालना है ना आप। हाँ, उसको बोलो लाइसेंस चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, वीज़ा होना चाहिए। हाँ, बस। और इंग्लिश उसका बेहतर होना चाहिए। इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू क्लियर, अगर इंटरव्यू से क्लियर हो जाते हो तो बस फिर गाइड डिलीवर। सैलरी वैलरी कितना देते हैं? सैलरी में यार इसका कमीशन होता है 10 रुपये 25 पैसे कमीशन है एक डिलीवरी पे, एक डिलीवरी पर ऑर्डर का। अच्छा, 10.25 फीस ऑर्डर का पर ऑर्डर का मिलेगा। अच्छा, काम पे डिपेंड करता है, 15 ऑर्डर लग जाएगा, 20 लगेगा, 19 लगेगा, 7 लगेगा। 19-20 लग जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 20 अगर का पेट्रोल लग जाएगा। हाँ, पेट्रोल अपना है? पेट्रोल अपना है इसमें। हाँ, सब कुछ अपना है, मतलब कंपनी का सिम मोटरसाइकिल है, कंपनी का मोटरसाइकिल, कंपनी का सिम है, कंपनी का सिम, सिम देती है कंपनी, कंपनी सिम देती है, मोबाइल अपना है, मोबाइल अपना। व्हीकल गाड़ी? व्हीकल कंपनी का, कंपनी का सब कुछ कंपनी। पेट्रोल अपना डालना पड़ेगा? पेट्रोल अपना होगा। और जितना मतलब कि करोगे तो उतना? हाँ, तो अभी कोई ज़्यादा यहाँ पेट्रोल कितना खाएगा? पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल 30 का लग जाता है बस, इतना ज़्यादा मास्टर। तो अभी आदमी आराम से अच्छा अर्निंग जो। हाँ, लेबर मान लो कि लेबर में जो काम करते हैं, ये बिल्डिंग में काम करते हैं, उससे ठीक है 1200-1800-1100। अगर तो इसमें लापरवाही करोगे ना, बेहतियाती लापरवाही से करोगे तो फिर ये मौत की सवारी है। मौत की सवारी? ठीक है, देखो मौत की सवारी कहीं भी, जैसे अब कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो और वहाँ पे थोड़ा सा भी चुक हुआ, ऊपर वाला नहीं जानता है कि किसको कब बुलाना है, वो बुलाएगा वो। हाँ, लेकिन जब बुलाना है तो बुला ही लेगा वो। वो तो बहाना होता है कि हाँ आदमी इस तरीके से गया, उस तरीके से गया। लेकिन एक बात है इसमें ना, हमारे लड़के बहुत ओवर एफिशिएंसी जो दिखाते हैं ना, हाँ, वही उसकी वजह से मरते हैं, यही चीज़ है। ओवर एफिशिएंसी मतलब ये ऐसे कटिंग करेंगे, भागेंगे, स्पीड दे देंगे, गलत काट लेंगे, एक एग्जिट भूल गए, एग्जिट भूल गए, खली बली जाने दो, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर एग्जिट कहीं तो मिलेगा। यहाँ पे दुबई में तो मैप है ना, मैप के रूट चेंज हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर आपने एक ये गली मिस कर दी तो आपको बोलेगा अगली गली से जाओ। हाँ ठीक है, अभी आपने गली मिस कर दी, जाए बंदा खड़ा, आप बोलो नहीं यहीं से वापस आएगा। हाँ पीछे तो कोई चीज आएगा उड़ा देगा। अच्छा, आप डिलीवरी में कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, लेकिन आपने अच्छा चूज किया है, इसलिए मैं बोलूँगा कैसे कि मैंने देखा है, मैंने बात किया है अपना कंस्ट्रक्शन में भी बात किया है, 1100-1200 उसी में खाना भी है, कितना बचता होगा उनका। हाँ ये और, लेकिन आपका कम से कम मिनिमम सैलरी तो इसमें 32-35 तो आराम से, मतलब कि अगर नॉर्मल काम करेंगे आप, मतलब कि आराम से 1000 का ऊपर का खर्चा उठा दो 1500 का, तब भी 2000 बच जाता है। 2000 भाई, आप 1000 खर्चा जो बोल रहे हो, वो जो 1000 जिसको सैलरी मिल रही है उसके क्या खर्चा करता है? इसमें खर्चे क्या है? पेट्रोल का 600-800 पेट्रोल का, खाने का, आपका खाने का भी जो है जबरदस्त है, आप जो भी चाहे वो खा सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से आप मौज कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी डर भी है ना, फाइन का डर रहता है, हमें RTA का डर रहता है, शर्ते का डर रहता है। एक बार उसने टीका लगाना है वो 500-1000 का गया, हमने ये सेफ्टी नहीं पहना, खलास खली बली 1000 दिरहम 5-10 दिरहम गया। ठीक है, हमने कहीं गलत पार कर दिया, जगह नहीं है, 1 सेकंड के लिए पार कर दिया, वो बोलेगा नो पार्किंग, अभी 200 का एक फाइन आया हुआ है रॉन्ग पार्किंग। नहीं, फिर भी जो है इसमें अपना आप मन चाह ड्यूटी करते हैं इसका, डिलीवरो का हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हाँ, डिलीवरो की हम सिर्फ कंपनी की मर्जी से चलते हैं, हमारी ऐप है। हाँ, उसमें हमारा पूरा टाइम शेड्यूल आता है, हमारा एरिया आता है। अच्छा, कि तुमने उसी एरिया में इस टाइम पे जाओगे तो लॉगिन हो सकते हो, फिर नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ
इसने जो 9 घंटे 10 घंटे 5 घंटे दे दिए शिफ्ट उतना ही कर सकते हैं। अच्छा। क्रीम है, क्रीम का कोई एरिया नहीं। अच्छा। क्रीम का जहाँ दिल करे, जब दिल करे वॉशरूम में बैठ के ऑनलाइन हो सकते हैं। तो बहुत लंबा लंबा हो जाते हैं हम लोग। हाँ। उनका मतलब कि जो जितना वो ऐसा ऑर्डर है जो हम नहीं उठाते, जैसे हाँ। बहुत दूर का ऑर्डर आ गया, अगर हम नहीं उठाया, तालाबाद नहीं उठाया, किसी और ने नहीं उठाया ना, हाँ। फिर वो मिलता है करीम। और वो मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से उनका पैसा बनता है। फिर ऐसे होता है। हाँ, उन लोगों से पूछा था मैंने, तो बताया डिस्टेंस के जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पैसा। टाइम है ना, ये रात से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे तक मैं 4 घंटे की पहली शिफ्ट में यही काम कर सकता हूँ। हाँ। फिर अगली 5 घंटे की शिफ्ट है। हाँ। 10 से पहले मैं काम नहीं कर सकता, 1 सेकंड पहले भी काम नहीं कर सकता, पूरा 10 बजे का। क्रीम का ये नहीं है, क्रीम का अपना, तलाबाद का भी अपना मर्जी है, अपना उनका जोन फिक्स है, एक ही जोन है, उसका जोन चेंज होता रहता है, डेली चेंज होता है, और उसका अपनी मर्जी से है, यानी टाइम जो मर्जी ले। नहीं, कुल मिला के आपका मैं ये समझता हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से आपका बेहतर है कि आप जो छोटे लेवल के आपका बड़े मिस्त्री हैं जो 3,000-3,500 जो निकाल रहे हैं, 3,000 नहीं मिलता है भाई, निकालता है यार 120 वाला। अच्छा अच्छा कंपनी में जो है वो तब जाके निकालते हैं, ओवर टाइम लगने के बाद से निकालते हैं। कितना मिलता है जब लेबर को मिलेगा आपका 1100-1200 तो मेसन को कितना मिलेगा, मान के चले 1500-1600 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और उसके बाद जब 12 घंटा वो करेगा तब वो 3500 निकालेगा वो। आजकल तो सार को ले रहा, लाइसेंस ही ले रहा है, तो मैंने सोचो कि 12 घंटा करेगा तब जाके, 12 घंटा तो उसका ड्यूटी हो गया, और उसके पास आने जाने का टाइम कहाँ गया, 14 घंटा हमारा 12 घंटे का ड्यूटी होता है, 1 घंटा ब्रेक, 13 घंटे। लेकिन आपका 12 घंटे का ड्यूटी है तो आपको इसमें ये है कि आप जितना डिलीवर किया उतना आपका जो प्राइस है बढ़ते जाएगा, वो आपका मनी जो है बढ़ेगा। कभी हाँ। नहीं भी लगता, एक दिन में मैंने 20 का काम भी किया है। हाँ। और उसी 20 का पेट्रोल डला के मैं रूम पे भी आ गया। हाँ। जीरो। हाँ। ऐसा भी दिन आया था कभी, वो तो बाय चांस कभी भी हो सकता आ है, जाता है कभी। हाँ। उस साइड में आ जाता है। थैंक यू भाई। इतनी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ यार, एक लाइक के सब्सक्राइब तो बनता है, कर दो यार। इतनी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, चुन चुन के बहुत मेहनत से वीडियो शूट करता हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है या लाइक तो बनता है, कर दो यार, थैंक यू।